Morning everyone. So today we are going to start with our map work. So in today's class I will show you how you have to mark your states and how you have to mark your union territories. First of all, this is your India's political map. Political map kyun liya humne? Because we are going to mark the political division of India. Political division का मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है, जो आपकी स्टेट्स की बाउंड्रीज होती है ना, दैट इज़ विजिबल इन दिस मैप. आपकी स्टेट की बाउंड्रीज आपको अलग से पता चलती हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू मार्क दिस इन द मैप. हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मार्क करेंगे. So starting with the union territories first. सबसे पहले हम union territories mark करते हैं. So Andaman and Nicobar Island. Can you see these dots? आपको ये dots दिख रही हैं? Here we have our ये वाला जो part है, all this part. You don't have to draw any line. You will just simply rotate your map and you will write here Andaman and Nicobar Islands. Okay, so this dots, ये जहाँ पे dots हैं यहाँ पे मैंने Andaman and Nicobar Island लिख दिया. Now then we have Lakshadweep Island. So now can you see these dots? अब आपको इस side पे ये dots दिख रही हैं. So here we have our लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो आई हैव मार्क टू ऑफ माय यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट वी हैव लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. सो कैन यू सी दीज अपर टू पार्ट्स? आप ये दो अपर टू पार्ट्स देख रहे हो, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. जो फर्स्ट है दिस इज योर लद्दाख एंड दिस वन इज जे एंड के. जे एंड के मीन्स जम्मू एंड कश्मीर. अर्लियर दिस होल एरिया वॉज जम्मू एंड कश्मीर. जो हमारा पहले का मैप था उसमें ये पूरा एरिया द इन लद्दाख एंड द जम्मू एंड कश्मीर पार्ट, दिस होल एरिया इज जम्मू एंड कश्मीर. बट फ्रॉम द लास्ट ईयर फ्रॉम वेन द जम्मू एंड कश्मीर इज अ कंसिडर एज अ यूनियन टेरिटरी, फ्रॉम दैट डेट आर मैप हैज़ बीन चेंज. हमारे मैप की जो पार्टीशन है वो चेंज हो गई है. सिंस दिस हैज़ बिकेम आर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख हैज़ ऑल्सो बिकेम आर यूनियन टेरिटरी. नेक्स्ट वी हैव पुडुचेरी. सो इन द साउथ साइड, अगर आप साउथ साइड में देखो, सो वी हैव दिस मिडल डॉट है. यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, एक ब्लैक डॉट है, देन वी हैव द दिस सिंगल डॉट एंड देन द थर्ड वन. जो आपकी मिडल डॉट है उसको यू विल मार्क एज पुडुचेरी. सो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव मार्क टिल नाउ? वी हैव मार्क 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट वी विल मार्क दिल्ली. सो वेयर इज दिल्ली? इट इज़ इन द सेंटर. आपको ये सेंटर में एक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट. इसको एरो बाहर ले आओगे, इसका एरो बाहर ले आओगे एंड हेयर यू विल राइट दिल्ली. ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी आर डन? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 यूनियन टेरिटरीज आर डन. 2 आर स्टिल लेफ्ट, दैट इज चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. सो चंडीगढ़ इज हेयर. इट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बट इट लाइज इन पंजाब बेसिकली. ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे एरो करोगे एंड यू विल राइट हेयर चंडीगढ़. सिंस ये वाला जो एरिया बहुत छोटा है कोई भी नाम लिखने के लिए, सो आई एम ड्रॉइंग अ एरो, नॉट एरो, आई एम जस्ट
drawing a line जिसके through I am writing it outside the boundary. Boundary के बाहर लिख रही so that it will be clear that this particular point I have marked as Chandigarh. So only one union territory is left, that is Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. So it is here, जो आपका ये वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे ये जो डॉट्स आ रही हैं हेयर यू हैव योर यू विल राइट हेयर दमन एंड दीव एंड उसके नीचे यू विल राइट दादरा एंड नागर हवेली ओके नेक्स्ट सो दीज आर योर यूनियन टेरिटरीज नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेट्स So starting with the first state that is Andhra Pradesh. We are starting with the A letters. So where is Andhra Pradesh? We'll do one thing. I'm not starting according to the table given in the book, but I'll start from the map side. Like we have filled this Ladakh, we have filled this Jammu Kashmir. Next state we have here is हिमाचल प्रदेश ये वाली जो स्टेट है जम्मू कश्मीर के नीचे आई हैव हिमाचल प्रदेश देन आफ्टर हिमाचल प्रदेश ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव दिस इज योर पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब पंजाब के नीचे वी हैव दिस इज योर हरियाणा देन दिस बिग वन इज ऑन द आफ्टर द हरियाणा के नीचे इफ यू सी दिस बिग वन दिस इज योर राजस्थान दिस वन एट द कॉर्नर इज योर गुजरात Next here, this long one is Maharashtra. This smaller, आप यहाँ पे small एक partition देखोगे, so this is your Goa. And Goa is with, Goa share its boundary with Karnataka. And Maharashtra I have already written. This one, Karnataka के साथ ये जो साइड बाउंड्रीज हैं दिस इज योर केरला सो आई मेक अ लाइन आई राइट हेयर केरला केरला के साथ ऑन द राइट साइड वी हैव तमिलनाडु एंड अबव तमिलनाडु वी हैव आंध्र प्रदेश एंड अबव आंध्र प्रदेश वी हैव दिस न्यू स्टेट दैट इज तेलंगाना And with Andhra Pradesh on the right side, एकदम आंध्र प्रदेश के right side अगर आप देखोगे you have Odisha. And Odisha के ऊपर देखोगे so you have Chhattisgarh. Okay. And Chhattisgarh और Maharashtra के ऊपर जो ये middle area है in the middle we have Madhya Pradesh. This is also known as the heart of India. मध्य प्रदेश इज इन द सेंटर इज द मोस्ट सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया ये सबसे सेंटर में पड़ता है मध्य प्रदेश जस्ट अबव द मध्य प्रदेश वी हैव उत्तर प्रदेश एंड ऑन द राइट ऑफ द उत्तर राइट साइड ऑफ द उत्तर प्रदेश वी हैव बिहार एंड लिसन टू मी जो यहाँ पे आपकी डार्क बाउंड्रीज हैं डार्क बाउंड्रीज का मतलब है कि ये जैसे ये डार्क बाउंड्री आ रही है सो दिस इज डार्क बाउंड्री मीन्स दिस इज योर कंट्री बाउंड्री जो लाइट बाउंड्रीज है वो आपके कंट्री के अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज है हेयर वन स्टेट इज लेफ्ट दैट इज उत्तराखंड यहाँ पे आपकी उत्तराखंड बची है सो आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हेयर आई एम राइटिंग हेयर
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के साथ राइट साइड पे एंड बिलो द बिहार, बिहार के नीचे वी हैव झारखंड। लिसन टू मी, इफ यू आर राइटिंग इन दी बाउंड्रीज, अगर आप बाउंड्रीज में लिख रहे हो, इफ यू फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू राइट इन दिस एरिया, सो इट्स बेटर यू ड्रॉ अ लाइन एंड राइट आउटसाइड लाइक आई हैव रिटन हेयर, बट मेक श्योर द लाइन्स आर क्लियर। ऐसा ना हो कि आपकी दो लाइन्स एक साथ जा रही है और क्लियरली पता ही नहीं चल रहा कौन सी लाइन क्या नेम रिप्रेजेंट कर रही है। विद ओडिशा वी हैव बंगाल, नाउ कम टू द ईस्टर्न स्टेट्स, तो एट द वेरी एंड वी हैव so in the east we have already read in the chapter that there are seven sisters, so I have marked seven points here. If you also look in your map you will find seven states are there, so I am going to mark each state now. Maine seven points draw kar diya yahan se, I am going to write their names now. So I am starting from the top. We have Arunachal Pradesh, then we have Nagaland, Arunachal Pradesh ke side niche side mein is Nagaland, and below Nagaland we have Manipur, and below Manipur we have Mizoram, here we have Tripura, this is your Tripura, and this one is Meghalaya, and this one is Assam, and one state is left which is here. This is your Sikkim, so we have marked all the states in our map and all the union territories in map, so this is going to be there in your exam also. I'll give you some states and I'll ask you to mark those in the map, or I can give you some capitals as well that you have to mark their states. Suppose I can give you to mark the state of Jaipur, Jaipur ki state kya, you have to mark the state of Jaipur, so it is Rajasthan, Rajasthan ki state is Jaipur, so you will mark in that case Rajasthan. Okay, so this is how you'll get your map. I hope it is clear. If you want you can color them also like it is shown in your book. Book mein jaise color ho rakhe hai na, alag alag parts ko alag alag color kar rakha hai, you can do that only if you feel it is comfortable. Suppose I give you 5 states to mark, so make sure you are coloring them with 5 different colors, only then it will be visible properly, and do the labeling properly. Okay, so I hope this is clear. We will discuss the map part in the revision class if you have any doubt, or we'll discuss all the doubts you have in the chapters. Okay, so that's all. Thank you and take care.